गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। साउथ गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 70 साल से ज्यादा की आयु के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा आपका ये दिल्ली में बैठा बेटा मोदी उठाएगा, ये मोदी की गारंटी है। चुनाव प्रचार के लिए पटना स्थित आवास से निकलने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी हैं तो फिर नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो फिर महंगाई पर काबू पाना भी मुश्किल है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी सुनवाई। रांची स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने से इंकार कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चोटिल हो गई। दुर्गापुर से हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया, उन्हें फिलहाल आसनसोल ले जाया गया। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, सजा पर रोक से कोर्ट ने किया इनकार। फैसले के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह। गुलाम हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की जानकारी के बाद सीमा हैदर के वकील का कहना है कि सचिन मीना की तरफ से याचिका दाखिल की गई जिसमें सीमा हैदर, सचिन और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप गुलाम हैदर, उनके वकील मोमिन मलिक पर लगाया गया। जहांगीरपुरी में हुई महिला के घर में घुसकर हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, 24 घंटे के भीतर पकड़े गए तीनों आरोपी। मणिपुर के नारंग सेना में कुकी उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, मणिपुर पुलिस ने हमले की जानकारी दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज इलाके के होटल में 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों के रुके होने की खबर पर दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि यह डेलीगेशन प्रॉपर वीजा के जरिए यहां पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स लगाई गई है।